भाई धर्म पत्नी और जो दोनों का चल रहा है महासंगम। एंड सीरियसली यार, ये महासंगम पता नहीं क्यों होता है जब जब इन लोगों की शादी होती है धर्म पत्नी में। पहले भाई साहब कीर्ति की और रवि की शादी हो रही थी, और प्रतीक्षा की और मल्हार की शादी हो रही थी, तब महासंगम हुआ। उसके बाद जब रवि की प्रतीक्षा के साथ शादी होने वाली थी, उसके आसपास भी फिर इनका महासंगम हुआ। यानी कि यार अब तक 4 बार महासंगम हो चुका है, और 4 बार महासंगम में हमें कुछ भी ऐसा मेजर नहीं देखने को मिला है जिसको लेकर हम ये कह सकें कि भाई कुछ लॉजिक है। इससे अच्छा तो महासंगम उडारिया और जुनूनियत का था, जिसमें दोनों सीरियलों में कुछ तो कॉमन लग रहा था। यहाँ पर तो कुछ कॉमन नहीं चला, सिर्फ एक सीन होगा कि भाई परी की जो परी परी का जो है वो आदि एक्सीडेंट कर देता है, इसके वजह से परी आदि परी को अपने घर पे ले आता है, उसको उस कमरे में सुला देता है, रेस्ट करने के लिए दे देता है, जहाँ पर प्रतीक्षा बंद होती है। फिर प्रतीक्षा को वो बाहर निकालते हैं, फिर प्रतीक्षा की शादी रुकेगी। सिर्फ इस सीन की वजह से जो है वो परिणीति और धर्मपत्नी का एक महासंगम किया गया। एंड सीरियसली मुझे ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगा। ये इसकी जगह आप किसी और को भी दे सकते थे, किसी और को भी डाल सकते थे। प्लस आज के एपिसोड में मुझे ये चीज़ मतलब कंफर्म हो गई कि भाई जो प्रतीक्षा है उसको मैं क्यों मतलब इतना ज्यादा अजीब सा फील करता हूँ उसके लिए, क्योंकि यार वो इसलिए प्रतीक्षा की डायलॉग ना बड़े ही मतलब ढीले तरीके से, मैं इतनी ज्यादा उसमें जान नहीं डाली जा रही। इससे अच्छे डायलॉग तो भाई जो मतलब प्रतीक्षा को जो किडनैप करने हैं, गार्ड रखने वाले जो हैं उनके हैं। आज मैंने ये चीज सच में फील की, क्योंकि यार प्रतीक्षा भी उस टाइम थी, उसी टाइम वो गार्ड भी थे। उन दोनों की डायलॉग्स को जब मैच किया था तो क्लियरली ऐसा सब दिख रहा था कि भाई प्रतीक्षा के डायलॉग बहुत सारे ढीले हैं और बिल्कुल भी मतलब अच्छे नहीं है, बिल्कुल भी मतलब ऐसे नहीं कि जिनका कोई इम्पैक्ट हो। तो ये चीज ना बड़ी अजीब सी लगी मुझे, सच बताऊं तो। और ये ना मुझे क्या बड़ा अजीब सा लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। इसके बाद भाई हमें जो दूसरी चीज बड़ी अजीब सी लगी वो मुझे ये लगी कि ये मतलब बातें काफी सारे लोगों को मतलब अजीब सी लग रही कि भाई प्रतीक्षा से ज्यादा जो स्क्रीन टाइम है वो काव्या को या फिर बाकी जितने भी साइड एक्टर्स हैं, साइड रोल हैं, उनको दिया जाता है। बल्कि इस शो में जो मेन कास्ट है, मेन लीड रोल में नजर आने चाहिए वो थे प्रतीक्षा और रवि और थोड़ा बहुत काव्या। बस इनकी फैमिली थोड़ा बहुत इनके साथ हो जाती, बस इसके अलावा कोई भी मेन लीड रोल में नहीं नजर आना चाहिए। लेकिन भाई यहाँ पे जो आता है वो लीड रोल में चला जाता है। आदि आया वो लीड रोल में चला गया, दीपांशु आया वो लीड रोल में चला गया। मतलब बड़ा अजीब सा है ये शो। परिणीति है, परिणीति में परिणीति और उसका हस्बैंड, बस वही तीनों क्या कहते हैं लीड रोल में हैं। इसके अलावा भाई जो हमारा ये चल रहा है जुनूनियत चल रहा है, इसमें भी भाई जो क्या कहते हैं जहान जॉर्डन है और इलाही है, ये लोग मेन लीड रोल में चल रहे हैं। सेम इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जो भाई इश्क में घायल हो बेकाबू चलो, इसमें भी जो दो मेन हैं वही मेन रोल में चलते हैं। उसके अलावा साइड एक्टर्स उनको थोड़ा बहुत टाइम दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है प्रतीक्षा को छोड़ के सबको बराबर के स्क्रीन स्पेस, डायलॉग, टाइम सब दिया जाता है। एंड भाई इतने दिन होने वाले हैं, अभी तक प्रतीक्षा के घर वाले पता नहीं पहुंचे क्यों नहीं रवि के घर। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन पता नहीं ये क्या सस्ता नशा करके धर्म पत्नी के मेकर्स क्या काम कर रहे हैं। और अभी ये तीसरा दिन है मेरे ख्याल से, अगर मैं शो के अकॉर्डिंग बताऊं तो सच में तीसरा। मल्हार गायब है, अभी तक मल्हार कहाँ है ये पता नहीं है। पता नहीं चल क्या रहा है शो में, इतना ज्यादा खींचा जा रहा है, अभी तक शादी इनकी कंप्लीट नहीं हुई, इतने दिन हो चुके हैं, पता नहीं यार मुझे सीरियसली कुछ बातें समझ में नहीं आती। इसी वजह से इस शो की जो टीआरपी है वो बहुत तेजी से डाउन हो रही है। अब जो अगली चीज है, चलो मैं वो बताता हूँ कि भाई एपिसोड के आज में देखने को क्या मिला। जो मैं तीन मोटे मोटे पॉइंट बताता हूँ कि दीपांशु जो है वो आता है, वही जो मतलब नकली वो बना था, क्या कहते हैं वो रवि बना था, वो क्या करता है, वो आते हैं यहाँ पे रवि को भड़का देता है काव्या के सामने कि भाई तुमने तो प्रतीक्षा से शादी की थी, तो प्रतीक्षा से तेरी शादी मानी वो मतलब मेन है उसके लिए, किसी और से शादी नहीं मतलब रखी गई है, ये है वो है तू ही है बस, और प्रतीक्षा वही शादी एक्चुअल में वो है वैलिड, बाकी सारी शादियां ऐसी ही है। दूसरी चीज जो बड़ी अजीब सी लगी वो ये
बीजीआई तो बीजी का मतलब जहां पे जैसे इंटरव्यू वहां पे ना काव्या गाड़ा जी ये क्यों आ गई यहाँ पे, इनको भी आना था सेम जो काव्या की माँ उनको, तो अजीब से इनको अजीब तरीके से इनको ना विलेन के रूप में ले जाया जा रहा है बहुत ज्यादा। एंड ये चीज मुझे बड़ी अजीब से लगी कि यार पूरे के पूरे मतलब मानवी जो थी जो एक टाइम पे प्रतीक्षा का सपोर्ट कर रही थी, वो अब प्रतीक्षा कितने ज्यादा अगेंस्ट में कि उसको किडनैप करवा ली, इतना ये सब करवा लिया, तो ये सब ना बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। उसको थोड़ा सा कोई ना कोई तो एक बंदा होता जो काव्या की फैमिली से भी प्रतीक्षा के फेवर में होता, लेकिन नहीं दिखाया, तो ये चीज बड़ा अजीब सा। अगली जो चीज मुझे देखने को बड़ी अजीब सी लगी वो ये परिणीति धर्मपत्नी दोनों के दोनों को ना स्विच करने का जो टाइमिंग है जो सीन है स्टोरी से कहीं मेल नहीं खा रही। ऐसा लगा कि धर्मपत्नी एक अलग जगह चल रहा है और उसी के साथ साथ परिणीति एक अलग जगह पे चल रहा है। एक सीन है जहां पे बस ये चीज फिट हुई, वो जब आदि और दीपांशु गए थे गठबंधन की चुन्नी लेने, बस वहां पे था कि भाई जो थोड़ी बहुत चीजें हैं वो एक साथ मतलब कोऑर्डिनेट करी कुछ, मतलब लग रहा है इनका ना कुछ भी नहीं था कोऑर्डिनेटेड कुछ भी। हाँ एक चीज हो सकती है कि जो नीति है और जो उसके हस्बैंड है वो लोग जा रहे हैं एक शादी में, वो शादी में भी ऐसा हो सकता है कि वो रवि रंधावा की हो, यहाँ पे काव्या भी हो, वहीं पर हमें परी भी देखने को मिले, फिर वहां पे थोड़ा बहुत बवाल हो सकता है, मे भी ऐसा हो सकता है, मे भी ये शायद महासंगम में हो, तो अगर ये होता है तो अच्छा होगा। और मैं बोल रहा हूँ अगर ये भी हो रहा है तो इन्हीं 2-3 एपिसोड को वहीं तक रखना चाहिए ना, पूरा पूरा 1 हफ्ता महासंगम में डाल, जबकि कल हम लोगों ने महासंगम के नाम पे कुछ देखा ही नहीं। तो ये कुछ चीजें बड़ी अजीब सी लग रही है और कहानी बस खींची जा रही है जबरदस्ती। काफी सारी चीजें ना आज के एपिसोड में ही कंप्लीट की जा सकती है, लेकिन वही बात है कि एपिसोड में चीजें कंप्लीट नहीं हो रही है, इनको बहुत ज्यादा खींचा जा रहा है। एंड सीरियसली मैं इन चीजों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। बाकी भाई आपको आज का एपिसोड कैसा लगा धर्मपत्नी का कमेंट करके जरूर बताओ। इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।